गांधी जी के व्यक्तित्व और आदर्शों के मुरीद सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी बहुत लोग थे। दक्षिण अफ्रीकी आर्किटेक्ट हरमन केलेनबेग गांधी जी के सत्याग्रह संबंधित विचारों से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने जोहानिसबर्ग के निकट अपनी 1000 एकड़ जमीन दान में दी, जिसे टॉलस्टॉय फार्म के रूप में विकसित किया गया। केलेनबेग और गांधी जी के बीच हुए पत्राचार को राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निजी कागजातों के संग्रह में शामिल कर बुधवार को एक प्रदर्शनी की शुरुआत की। आज के दौर में गांधी जी की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। मैं आज अपील करूंगी सभी नौजवानों को कि गांधी जी का जो सपना था कि शांति के साथ रहो, प्यार के साथ रहो, हर धर्म को, हर व्यक्ति को आदर सम्मान दिया जाए, तो उसके ऊपर वो एक बार फिर से सोच विचार करें और उसको अमल करें, ताकि हमारा देश एक मजबूत और शक्तिशाली देश बने। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 21 बरस बिताए थे और वो बहुत निर्णायक बरस थे, और उनके कई साथियों में प्रमुख स्थान था हरमन केलेनबेग का, और उनके कागजात यहाँ आज दिख रहे हैं। और ज़रूरी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इनको देखें और उनके अध्ययन से हमारे इतिहास के बारे में कुछ समझ सकें, सीख सकें। 13 समूहों में वर्गीकृत ये पत्राचार केलेनबेग के अलावा उनके भाई साइमन केलेनबेग और भतीजी हाना लेजर के साथ भी उनके संबंधों के बारे में बताती है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारतीय नेताओं के पत्र इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। इस संग्रह में 287 फोटोग्राफ और येरवड़ा चक्र, सुराज का ध्वज और खादी स्कार्फ आदि है। ये प्रदर्शनी 15 फरवरी तक दिल्ली में जारी रहेगी। ऋतु वर्मा, DD News, दिल्ली।